नमस्कार दोस्तों, मामे राना घर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाले हैं। आर के सिंगर जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम कुल चाय की रेसिपी आपके साथ शेयर करें, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करें। तो आज की ये जो रेसिपी है इसका नाम है केवा। ये एक्चुअली कश्मीरी चाय की रेसिपी है, पर इसे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वेज में बनाया जाता है। जैसे कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में इसे कॉफ़ी के साथ बनाते हैं, तो कभी इसे ग्रीन टी या फिर नॉर्मल चाय की पत्ती के साथ भी तैयार करते हैं। पर इस रेसिपी में चाय की पत्ती का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो चलिए इस रेसिपी को फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। केहवा बनाने के लिए यहाँ पर हम एक पैन में 4 कप नॉर्मल पानी ले रहे हैं। इस रेसिपी में हम मेज़रमेंट कप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि नॉर्मल चाय के कप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम फ्लेम को ऑन करते रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। तो चलिए अब इस डिश के नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम 3 छोटी इलायची या फिर हरी इलायची को अच्छे से कूट ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मामे राना घर की कंटेंट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो छोटी इलायची है इन्हें हमने अच्छे से कूट लिया है। तो अब हम इन्हें पैन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम दालचीनी को भी क्रश कर लेंगे। यहाँ पर हमने लगभग 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल किया है। तो अब हम इस दालचीनी को भी हमारे पैन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो छोटी इलायची और दालचीनी को मिक्सर ग्राइंडर में भी क्रश कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं जूलियन किया हुआ अदरक। यहाँ पे हमने 1/2 इंच अदरक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने अदरक को ऐसे लंबा करके काट लिया है, पर अगर आप चाहें तो इसे रफली क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को 5 मिनट ढक कर हाई फ्लेम पर उबालेंगे। तो देखिए, 5 मिनट हो चुका है और इससे बहुत ही सुंदर अरोमा आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं 1 पिंच केसर, और अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं 1 से 2 चॉप किए हुए आमंड्स यानी कि बादाम। आज हम 2 लोगों के लिए चाय बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 छोटे चम्मच चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक कर हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। तो देखिए, 5 मिनट हो चुका है और हमने लिड को उठा दिया है। आप देख सकते हैं कि इस चाय की रेसिपी में हमने अभी तक चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं किया है, पर तब भी इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं और अब हम इसको सर्व कर देंगे। तो सर्व करने के लिए देखिए, यहाँ पे हमने एक छलनी ले लिया है और अब इस छलनी में हमने ऐड कर दिया है 1/2 छोटे चम्मच चाय की पत्ती, और अब हम इसमें ऐड करते रहे हैं हमारी तैयार किए हुए केहवा को। आप देख सकते हैं कि इस रेसिपी में हमने सचमुच चाय की पत्ती का बिल्कुल ना के बराबर ही इस्तेमाल किया है। इसमें चाय की पत्ती पहले ऐड नहीं की जाती है, क्योंकि पहले ऐड करने से केहवा टेस्ट में कड़वा बन सकता है। केहवा एक बहुत ही एरोमेटिक चाय की रेसिपी है और इसे पीने के बाद आप बहुत ही तरोताज़ा फील करेंगे। तो फिर इस बारिश के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।